मॉर्निंग एवरीवन। यार जल्दी उठा ही नहीं जा रहा मुझसे। मैं रात को आजकल 10 बजे सो जाती हूँ फिर भी। हेलो मामा, बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो आज मेरी 10 आवर स्टडी रेजोल्यूशन का 26वां दिन है। और कल रात को क्योंकि मैं करंट अफेयर पढ़ने लग गई थी, इसीलिए मैं अपना चैप्टर जो कि लैंडफॉर्म है वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी। और अभी के लिए मेरा बच गया था, फाइनली अब थोड़ा सा ही बचा है। और मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़े ना, प्लीज आप पहले गूगल में इमेजेस सर्च कर लीजिए जो भी आप लैंडफॉर्म स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इससे ना आपको उसकी डेफिनेशन समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। एंड येस, दिस सेशन वॉज एज यूजल। दोस्तों ये कैसा चैप्टर है, मेरी हालत खराब हो गई है। अभी भी 3 पेज बचे हैं मेरे, 3 पेज और बचे हैं। बहुत ट्रिकी चैप्टर है यार, मतलब जो मर्जी हो जाए मैं ना छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि मैं पता क्या करती हूँ, जब मुझे कोई चैप्टर बहुत अटपटा सा लगता है ना, मैं उसको छोड़ देती हूँ। जैसे मैं इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर देती कि छोड़ो बाद में करूंगी, बट वैसा मैं इस बार नहीं करूंगी, क्योंकि फिर जो छूट गया ना वो छूटा ही रह जाता है। मैंने इकोनॉमी के जो एक दो चैप्टर मेरे बचे थे वो अभी भी मैं कर ही नहीं पाई, क्योंकि अब मैं इसमें ही लगी पड़ी हूँ। सो छोड़ूंगी तो नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, जितने दिन लग जाए। क्यों बकरा रात? मम्मा आज क्यों नहीं गए आप अभी तक? छुट्टी है ना? अच्छा, गाइस झगड़ा हो रहा है। तन्मय बोल रहा है रितु को बोलो नीचे से उठाने के लिए जो ये काट रहा है, और रितु बोल रही है कि मेरा काम होता है किचन का तो मैं ये काम क्यों करूं। तन्मय बोल रहा है कि क्यों आज मम्मा घर पे है तो आपका किचन का काम तो नहीं होगा, तो आप मेरे साथ काम करो। बताइए कौन सही है कौन गलत। तो गाइज मुझे पहले ध्यान नहीं था, आज 25 तारीख है, आज हिमाचल स्टेटहुड डे है, क्योंकि आज हिमाचल को स्टेटहुड मिला था आज के दिन पे, इसलिए हिमाचल में इस दिन को छुट्टी होती है, और कल तो ऑब्वियसली छुट्टी है ही। सो चलो अब थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं गाइज। माई फर्स्ट वाटर बॉटल मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मम्मा भी मशीन लगा के बाहर बैठ गए हैं। मम्मा रितु आनी रही। सो आज रितु भी हमारे साथ बैठेगी पढ़ने। लेट्स गो। गाइस ये एक स्टैंड है, देखो ये क्या है? आपके दीवी वो बड़े लाइट वाले बन जाए। गाइस मैं अपने सेकंड सेशन में आ गई हूँ और 3 पेज बच गए हैं। गाइस 3 पेज, आई हैव टू डू इट नाउ। गाइस खत्म हो गया मेरा चैप्टर। I'm so happy. Hello, darling. ये थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई किया गिरी। गाइस ये देखिए मम्मी कितने साल पुराना कोट है, ये है 15-20 साल पुराना है। मम्मी का 15-20 साल पुराना कोट उस टाइम था, इसका फैशन। चल ज़ारा मॉडल की तरह वॉक कर, पर ऐसा वॉक करता है।
फैशनेबल रितु तेरा नैन नैन तेरे हमने की तेरे नाम हमने किया है जीवन। तो गाइस 3 बजने को आए हैं और मैंने अपना व्लॉग एडिट कर लिया है और मम्मा ने बनाई है चावल की मोड़ी। मोड़ी बोलते हमारे गाइस माय सेकंड बॉटल। तो वैसे तो मुझे अब इंडियन ज्योग्राफी शुरू करनी थी बट मैंने अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था और रात को तो वैसे भी मुझे बहुत आलस आता है, तो मैंने इस वाले सेशन में पहले न्यूज़पेपर कंप्लीट किया, फिर मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के PYQ सॉल्व किए और इंडियन ज्योग्राफी में अब कल से ही शुरू करूंगी। Guys, I'm done. और आज प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रही। एक्चुअली येस डू चेंज योर सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट सुबह से शाम तक मत पढ़ते रहो क्योंकि इससे ना प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है और बोरियत आ जाती है। जब आप नया सब्जेक्ट उठाते हो ना तो आपके अंदर एक नई एक्साइटमेंट होती है और उस जोश से आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हो एज कम्पेयर टू अगर आप वही सुबह वाला टॉपिक ही उठाए हो। सो चलो खाना खाते हैं। गाइस आग जल चुकी है और हम खाना खाने आ चुके हैं। आ जाओ रितु जल्दी यार, करते क्या ये मामा? ज्यादा क्यों पिज्जे सो रु पिज्जे सो ज्यादा क्यों चट रही तू इस ब्लाउज से? बड़ी भारी आ गई यहाँ पे। इधर बोल क्या करते मामा बैठिए। बैठे मम्मी को नहीं नींद आ गई भी। हाँ सुनना शूट पुतला है सुनना फिल्म ना ये ने कितने बार तक देखते फोन ये रात को? मुझे तक नहीं जाए चलाक इंसान। अब बज गए हैं 8। लुक एट द टाइम 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 टाइम। और अब मैं पढ़ूंगी 1.5-2 घंटा, देखते हैं 1.5 घंटा में नींद आ गई तो ठीक है क्योंकि 9 घंटे तो ऑलरेडी हो चुके हैं। वैसे तो ऑब्वियसली ज्यादा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है बट मुझे रात को नींद आना शुरू हो जाता है यार बहुत जल्दी, बट स्टिल 1 घंटा तो कंपल्सरी है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट उसके अलावा 1 घंटा That's a choice. नींद आई तो मैं सो जाऊंगी क्योंकि सुबह आज भी कोशिश जारी है। तो गाइस वैसे तो मुझे 1 घंटा ही पढ़ना था इस सेशन में बट क्योंकि मैं आज दिन को ना 1 घंटा सो गई थी और इसलिए मुझे अभी नींद ही नहीं आ रही थी और फिर मैं 2 घंटा पढ़ गई। और मैंने इस सेशन में अपना फिजिकल ज्योग्राफी का ही एक चैप्टर रिवाइज किया क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी मैं कल से नए दिन से ही शुरू करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज माई डे।